फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि आप लोग देख सकते हैं देखने में तो काफ़ी साधारण सी लग रही है, लेकिन इसकी जब आप लोग सोल्यूशन निकालिएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फैक्टराइजिंग द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि यहाँ पे टू स्क्वायर्स दी गई है और उसको आप लोग का फैक्टराइज करना है। और इसका जो लास्ट में जो एंड होगा, यानी कि एंड में आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये जो फार्मूला होता है यही फार्मूला पर ये क्वेश्चन बनता है। और इसके दो सपोर्टिंग रूल में आते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों सपोर्टिंग में आते हैं, इस दोनों का भी यूज होता है। तो चलिए इसको मैं इसी से यूज करके आप लोग को सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने इसको आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को इसे करके लिख लीजिएगा एक्स स्क्वायर होल बाय टू, और वैसे यहाँ पे और प्लस टू माइनस वन लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग टू माइनस वन लिखते हैं तो वैल्यू तो उसका सेम ही रहेगा ना। तो ऐसे ही करके हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ये एक टर्म है पूरा यहाँ तक, और उसके बाद ये पूरा एक टर्म है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने पूरा का ले लिया है। तो सब पूरा का पूरा जब लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे ही सिर्फ माइनस करके लिखना है, यानी कि ये पूरा पूरा ए टर्म हो गया, ये पूरा ए टर्म हो गया और ये बी टर्म। तो बी को ही हमको सिर्फ माइनस करके लिखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ माइनस वन लिखा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं ठीक ऐसे ही करके जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिए थे वैसे ही करके यहाँ पे भी लेना पड़ रहा है, और इसको आप लोग को कुछ मत करना। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन, और ये जो आप लोग देख सकते हैं ये, तो इसको अगर आप लोग कीजिएगा फैक्टराइज, यानी कि इसको अगर आप लोग लिखिएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ये आ जाएगा, यानी कि अगर आप लोग इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लेके चलिएगा तो यही आएगा। तो इसीलिए आप लोग देख सकते हैं मैंने एक्स प्लस वन बाय एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वन का होल स्क्वायर इसमें ले लिया है। अब यहाँ पे फिर वही फॉर्मूला लगा देंगे जो हम लोग ऊपर लगाए थे, और सेम वही प्रोसेस करके यहाँ पे जो ये सेम था वो ये रहिए गया, ऊपर में जो था वही रह गया, और इस पर आप लोग बिठा दीजिएगा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखिए मैंने बैठाया है यहाँ पे एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस वन यहाँ पे आ गया, एक्स 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 प्लस वन बाय एक्स माइनस वन, तो ये आ गया। आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा अगर आप लोग मैंने जो बताया वैसे बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा।